सत्ता के महासंग्राम 2024 की कुछ दिलचस्प तस्वीरें तो हमने दिखाई, और साथ ही अब आपको हम दिखा देते हैं कि अभी 1 बजे तक में कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है। महासंग्राम 2024 में 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत तमाम राज्यों का अब आपको बताने जा रहे हैं। कुल जो पूरे देश का मतदान है वो 36.73% अभी तक हो चुका है, और अब बात करेंगे अन्य राज्यों की जहां पर कितना वोटिंग प्रतिशत अभी तक दर्ज किया जा चुका है, कितना आंकड़ा पहुंचा है वो आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में सबसे पहले 34.62% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, अच्छे खासे मतदान यहां पर हुए हैं, 34.79% वोटिंग यहां पर दर्ज की गई है। झारखंड में 41.89% यहां पर वोट कास्ट हुआ है। लद्दाख में अभी तक 52.2% यहां पर वोटिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करेंगे, थोड़ा कम है, 27.78% यहां पर वोट कास्ट हुआ। ओडिशा में 35% से ज्यादा, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे 39.55% यहां पर वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 48.41% वोटिंग हुई है, और ये देखिए आप, जहां पर पश्चिम बंगाल साथ ही झारखंड यहां पर अच्छे मतदान हुए हैं, जो मतदान प्रतिशत है काफी अच्छा, और सबसे ज्यादा जो वोटिंग प्रतिशत है वो लद्दाख से सामने आया है। और अब आप पांचवें चरण के मतदान की कुछ अलग अलग तस्वीरें देखिए, जहां पर तमाम जो सियासी जो दिग्गज है उनसे लेकर जो कलाकार है वो भी वोट कास्ट करने पहुंचे थे। लखनऊ में जहां पर राजनाथ सिंह वोट कास्ट करने पहुंचे, स्मृति ईरानी भी अमेठी में नजर आई, जहां पर उन्होंने जायजा भी लिया। मुंबई में आप देखेंगे पीयूष गोयल वोट कास्ट करते हुए नजर आए थे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी वोट किया और सभी से वोट की अपील की। लखनऊ की एक और तस्वीर देखिए, जब मायावती वोट कास्ट करने पहुंची और उन्होंने सभी से वोट की अपील की, उनका यह कहना था कि इस बार जनता खुद चुनावी मैदान में है। और एक तस्वीर, एक पूरा फ्रेम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सलमान खान वोट करने के लिए पहुंचे थे, सलीम खान भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, गोविंदा चीची मामा भी पहुंचे थे वोट करने के लिए। और अलग अलग तस्वीरों में आप देखेंगे धर्मेंद्र जहां वोट कास्ट करने पहुंचे, उन्होंने अपने विक्ट्री का साइन दिखाते हुए कहा कि सभी लोग वोट जरूर करें। हेमा मालिनी भी अपनी बेटी के साथ वोट डालने के लिए पहुंची थी। आर माधवन अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने पहुंचे। कैलाश खेर ने भी वोट किया और सभी से अपील की कि वो भी वोट जरूर करें। नेहा धूपिया भी पहुंची वोट करने के लिए। अक्षय कुमार तो सुबह 7 बजे के आसपास ही पहुंच गए थे वोट कास्ट करने के लिए, और काफी खुशी उन्होंने जाहिर की। फरहान अख्तर भी अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंची। राजकुमार राव भी आपको नजर आए, उनका यह कहना था कि दिन बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक मतदाता के लिए वोट जरूर करें। सान्या मल्होत्रा भी वोट करने पहुंची। जानवी कपूर का भी एक अलग ही अंदाज नजर आए वोट कास्ट करने जब वो पहुंची। और परेश रावल वोट करने पहुंचे। सुनील शेट्टी भी इस दौरान नजर आए हैं, और उन्होंने भी न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि वोट आपको जरूर करना है, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। ये मेरा निशान, मेरा स्वाभिमान, और मेरी मीडिया के दोस्तों के माध्यम से मेरी सबसे अपील है कि घरों से निकलिए। ये सब लोग भी देखिए, गर्मी में 34-35 डिग्री में खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप भी घरों से निकलिए और वोट दीजिए। अगर आप वोट नहीं आज देते हैं और अपना लंबा वीकेंड पे चले जाते हैं, फिर आपको कोई हक नहीं होगा कि 5 साल तक आप कोई भी शिकायत सरकार से करें। बहुत लंबी लाइन थी, इतने सारे लोगों को मैंने पहली बार वोटिंग बूथ पे देखा है, तो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई फील होपफुल कि सब आके वोट देंगे आज, किसी को आलस महसूस नहीं होनी चाहिए आज के दिन। आज मुंबई बाहर निकली है वोट करने। हर एक को मतदान करना चाहिए, हर एक ने मतदान करना चाहिए, ये अपने अस्तित्व की निशानी है। हमारी जिम्मेदारी है, मुंबई की, हर मुंबईकर की जिम्मेदारी है कि आज निकल कर बाकी के देश को रास्ता दिखाएं। जिन चीजों से हम नाखुश रहे हैं इतने सालों से, उन चीजों को बदलने का मौका यही है। मैं सबसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूंगा कि आइए वोट कीजिए। जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, जिन्होंने आपका काम किया है, उनके लिए वोट दीजिए। रण की ये और कुछ अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये उन इलाकों की तस्वीरें हैं जहां पर कुछ समय पहले वोटिंग को लेकर काफी विरोध होता था, लेकिन इस बार देखा गया है पिछले बार के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बारामूला में अच्छे खासे वोट पड़े। लद्दाख की तस्वीर आपने देखी, 1 बजे तक में यहां पर 52% वोट हुआ है। हिंदवाड़ा में भी अच्छे खासे वोट यहां पर डले। बांदीपोरा की भी तस्वीरें आपने देखी, बड़गांव में भी वोट डाला गया।
और सीधे रुख करेंगे और जगहों पर मुंबई में किस तरीके की वोटिंग प्रतिशत हुए। प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, ऋषभ मणि त्रिपाठी अमेठी से जुड़ गए, विनीता मिश्रा हाजीपुर से, यहां सुल्तान कुपवाड़ा से जुड़ गई हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले तो हम प्रशांत के पास पहुंचते। प्रशांत, मुंबई में अच्छा खासा वोटिंग प्रतिशत तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हमने ये देखा है कि वीआईपी जो बड़े स्टार हैं वो जरूर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अन्य राज्यों की तुलना में मुंबई में वोटिंग प्रतिशत कम है, लेकिन जो बहुत बिजी स्केड्यूल वाले हैं वो जरूर पहुंचे वोट डालने के लिए। प्रशांत, अगर आंकड़े देखे जाए तो 27.78 यानी 30% भी अभी तक जो है मतदान मुंबई में नहीं हो पाया है, महाराष्ट्र में नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर देखा जाए आखिरी चरण का मतदान है, क्योंकि 5 ही चरण में महाराष्ट्र में मतदान होना है, आज आखिरी दिन है। 6 सीटें मुंबई में है, लोकसभा सीटें। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, मुंबई के NA हॉस्पिटल स्कूल है जहाँ पर यहाँ पर सभी अभिनेता पहुंचकर मतदान किए। कुछ समय पहले यहाँ पर संजय दत्त पहुंचे थे। वीआईपी जो है काफी लंबी लिस्ट यहां पर थी, उनकी काफी लंबी फेरिश थी, लेकिन अभी आप देखें मतदान केंद्र के बाहर आपको लोग नजर नहीं आते होंगे। वजह यह है कि दोपहर का वक्त हो चुका है, गर्मी की वजह से लोग नहीं आ रहे, और खास तौर पर युवाओं यानी यूथ का योगदान इस बार मतदान में काफी कम देखने को मिला है। जाने माने चेहरे, चाहे संजय दत्त की बात करें आप, यहाँ पर आई थी जाह्नवी कपूर सवेरे आकर मतदान करके गई, जो अभिनेता है रणबीर कपूर यहाँ दीपिका पादुकोण के साथ पहुंचे थे, उनका मतदान यहाँ पर हुआ है। सभी यहाँ पर जाने माने चेहरे पहुंच चुके हैं। आमिर खान इस लिस्ट में बाकी हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है कि देर शाम तक वो जरूर यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग पहुंचे हैं या तो सीनियर सिटीजन के तौर पर तस्वीरों में सामने आए या फिर जाने माने चेहरे सामने आए, सभी ने युवाओं से अपील की है कि भारी संख्या में बाहर निकले, लेकिन आंकड़े जो है वो थोड़ा निराश जरूर कर रहे हैं महाराष्ट्र और मुंबई की जनता। बिल्कुल, और उम्मीद है अभी भी कि शायद वोट कास्ट का प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि हो सकता है शाम के पहले पहले कुछ युवा और निकले बाहर और वोट डालें। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े। ऋषभ मणि, अमेठी हाई प्रोफाइल सीट, सियासत में एक अलग ही उबाल यहां पर देखने को मिलता है हमेशा, कितना वोटिंग प्रतिशत यहां पर देखा जा रहा है, किस तरीके का माहौल अभी वहां पर बना हुआ है? ऋषभ मणि, देखिए अभी अगर सिर्फ अमेठी की बात की जाए तो अमेठी लोकसभा में 1 बजे तक 38% मतदान हो चुका है, और पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 39.55% यहां पर मतदान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी से यहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रत्याशी है, अपना वोट कास्ट कर चुकी है। उनका सीधी लड़ाई यहां पर सपा कांग्रेस गठबंधन के किशोरी लाल शर्मा है, जो काफी लंबे समय तक गांधी परिवार के यहां पर प्रतिनिधि भी रहे हैं। सुबह के वक्त हमने देखा 11 बजे तक तो जो मतदान चल रहा था वो एक अच्छी स्पीड से चल रहा था, लेकिन इस वक्त दिन के करीब 2 बज चुके हैं, उससे ऊपर का समय है। इस वक्त जितने भी पोलिंग बूथ है वहां पर सन्नाटा पसर गया है। जो सुरक्षा से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, पुलिस के हों, पैरामिलिट्री के हों, वो यहां पर मौजूद हैं। कुछ बूथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके एजेंट यहां पर मौजूद हैं, लेकिन आम वोटर्स फिलहाल बूथों पर नजर नहीं आ रहे हैं। वजह यह भी है काफी धूप और गर्मी, करीब 42 डिग्री करीब यहां पर टेम्परेचर इस वक्त है, तो उस टेम्परेचर का असर यहां पर देखने को मिल रहा है कि यहां पर इस वक्त बिल्कुल शून्य है यहां पर इस वक्त वोटर्स की संख्या। और अमेठी की बात कर लेते, जैसा आप खुद कह रही थी काफी हाई प्रोफाइल प्रेस्टिजियस सीट है ये, और 2019 में ही गांधी परिवार से ये सीट स्मृति ईरानी ने छीनी थी, करीब 52,000 वोट से उन्होंने ये चुनाव पिछला चुनाव जीता था। इस बार गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा उनके सामने हैं, तो यहां पर लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई। जितने भी बड़े चेहरे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, सभी बड़े चेहरे अमेठी में जरूर आए हैं, और दोनों ही पार्टीज ने अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी कोशिश की है। कुछ समय पहले यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, उन्होंने एक रोड शो किया है, और प्रियंका गांधी, और चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो, लोकसभा के इलेक्शन हो, उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट एक अलग ही रुतबा लेकर चलती है सियासत के दौर में। विनीता भी हमारे साथ जुड़ी हैं, और चलिए अब एक बार फिर से मुंबई का रुख करते हैं, जो कि आमिर खान पहुंचे हुए वोट डालने के लिए। जी प्रशांत ले ले जी। देखिए आपको तस्वीर मैं दिखाता हूं, यहां पर आमिर खान पहुंच चुके हैं मतदान करने के लिए। ये तस्वीरें जिस तरह से जिक्र हो रहा था कि कुछ समय में आमिर खान पहुंचेंगे, ये देखिए ये तस्वीरें हैं, क्योंकि यहां पर जितने अभिनेता थे सभी अभी तक पहुंच चुके हैं और अपना मतदान किया उन्होंने, लेकिन ये आमिर खान अभी पहुंचे हैं। जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि जितने बड़े चेहरे हैं वो यहां पर जरूर पहुंच रहे हैं। आप देखें अगर घड़ी की तरफ तो 2 के पार वक्त हो चुका है, बड़ी गर्मी में भी धूप में भी आमिर खान खुद यहां पर मतदान करने
पहुंचे, लेकिन बूथ के बाहर अगर आप देखें तो पूरा सन्नाटा था। आमिर खान खुद यहां पैदल चल कर आए हैं, यानी देखा जाए अगर आप वीआईपीज की लिस्ट निकालेंगे तो सलमान खान से लेकर के अक्षय कुमार से लेकर के आमिर खान जो बड़े नाम है जिन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, वो तमाम लोग जो है अपना योगदान दे चुके हैं, उन्होंने मतदान कर दिया है। लेकिन परसेंटेज के बीच में अगर ये पहुंचे वोट डालने के लिए तो आपको भी वोट जरूर करना है। एक बार फिर से हम विनीता का रुख करेंगे, हाजीपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप विनीता, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, कितना वोटिंग प्रतिशत यहां पर देखा जा रहा है और कैसी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं आपके पीछे तो अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। बिल्कुल, हाजीपुर में सुबह से ही मतदाताओं का जो उत्साह है वो देखते बन रहा है। मौसम भी आज मेहरबान है क्योंकि सुबह से ही धूप लोगों को परेशान नहीं कर रही, गर्मी भी आज लोगों को परेशान नहीं कर रही और यही वजह है कि जो मेरे पीछे तस्वीर है मतदाताओं के उत्साह की, वो अपने आप में अनूठी नजर आ रही है क्योंकि लगभग 2:30 बजने वाले हैं और ऐसी कल्पना शायद ही कम बूथों पर लोग कर रहे हैं कि इस वक्त इतनी लंबी कतारें मतदाताओं की अलग अलग बूथों पर होगी। लेकिन हाजीपुर की यह तस्वीर है और यही वजह है कि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे हाजीपुर का जो प्रतिशत है मतदान का वो बढ़ता जा रहा है। अगर अभी की हम बात करें तो हाजीपुर में 33% वोटिंग अब तक हो चुकी है और ये जो लाइन्स है लंबी लंबी वो साफ तौर पर दर्शा रही है कि जैसे जैसे दिन और चढ़ेगा, क्योंकि अब कुछ घंटे और हैं वोटिंग के लिए और ये लाइन्स बता रही है कि जो प्रतिशत है हाजीपुर की वो और अधिक बढ़ेगी क्योंकि सुबह से ही मतदाता काफी उत्साहित हैं। 6 बजे से लगातार हम तस्वीर भी यहाँ के दिखा रहे हैं, लेकिन 5:30 बजे से ही अलग अलग मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है जो लगातार बनी हुई है। मतदाता आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अपने घर लौट रहे हैं और वैसे भी लगातार हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक ही दिन होता है जब हम अपने अधिकार के लिए कुछ करते हैं। बिल्कुल विनीता, और ये तस्वीरें देखने के बाद ये तो स्पष्ट हो चुका है कि प्रचंड गर्मी के कारण भी कई जगहों पर वोटिंग का प्रतिशत कम हो रहा है, ये स्पष्ट हो चुका है क्योंकि वहां पर मौसम ठंडा है, लोग पहुंच रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ आपके पीछे हम देख पा रहे हैं। कुपवाड़ा के भी रुख करेंगे, यहां सुल्तान हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहां कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, कैसा माहौल बना हुआ है वोटिंग को लेकर, क्योंकि 3 से 4 घंटे बस और बाकी हैं जब वोटिंग होनी है। जहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त मैं हूँ बारामूला खाना क्षेत्र के हंदवाड़ा इलाके में, जहाँ पर आज सवेरे से ही लोगों का बाहरी रश जो है पोलिंग बूथों की तरफ देखा गया और यहाँ पर हर साथ जो है पोलिंग बढ़ रही है, यानी कि अब राय दहिंदगान जो है अपने यहाँ के राय देने का बाजाबा तौर इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी तक जो है 34% जो है यहाँ पर वोटिंग शरा रह गई है, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि शाम के 7 बजे तक शायद यानी कि 50 से 60% जो है वोटिंग शरा हो सकती है, क्योंकि इस बार नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो खुल के बाहर आ चुके हैं घरों से और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो आज तक सिर्फ बायकॉट पे रहते थे, वोट का इस्तेमाल नहीं करते थे, आज वो लोग भी सामने आ चुके हैं, वो भी अपने वोट का।